मैम आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में सवाल खड़ा करिए, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हमने सवाल खड़ा इसलिए किया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली रहते हैं, अभी प्रदेश कमेटी हमारी नहीं बनी है, हमारे 17 MLA हैं, 2 MLA चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर बड़े आरोप लग रहे हैं और ये आरोप उनके ही पार्टी के विधायिका प्रतिमा दास ने लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रतिमा दास ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द उनके पद से हटाया जाए। प्रतिमा दास ऐसा क्यों कह रही हैं, क्यों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को उनके पद से हटाने की मांग कर रही हैं महिला विधायक प्रतिमा दास, पहले आप वो सुने। मैम आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में सवाल खड़ा करिए, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हमने सवाल खड़ा इसलिए किया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली रहते हैं, अभी प्रदेश कमेटी हमारी नहीं बनी है, हमारे 17 MLA हैं, 2 MLA चले गए। जब 4 MLA हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में तो MLC बनता था, 17 MLA होने के बावजूद MLC हमारा नहीं हुआ। वैसे सैकड़ों निष्ठावान वर्कर पार्टी के अंदर हैं जो पार्टी के ख़राब समय में भी और अभी भी जाइएगा तो पार्टी की एकता, अखंडता और पार्टी की मजबूती के लिए वो काम करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में कम पार्टी हित के काम करते हैं, वैसे लोगों को उम्मीद होती है कि हम MLC बने। आप सबको तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप एक को बनाते हैं तो दो जो 99 वर्कर होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव भावना उत्पन्न होती है पार्टी के प्रति। तो ये सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड करते हैं और यहाँ तो MLA तक का फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग को मिले हुए कितना कितना दिन हो जाता है, तो जब MLA नहीं मिल पाता है उनसे तो छोटा वर्कर जो प्रखंड का वर्कर है, जिला का वर्कर है, पंचायत का वर्कर है, वो कैसे मिलेगा? जब बात, जब इंटरेक्शन नहीं होगी, जब बात संवादहीनता होगी तो पार्टी कमज़ोर होती है। मैम महागठबंधन में अब तक लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए, वो तो हमारे आला कमान स्तर की बात है, वो लोग कर लेंगे, लेकिन जब आपका संगठन मजबूत होगा तो सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए और बिहार में रहने वाले किसी ऐसे वर्कर को आप अध्यक्ष बनाइए जो पूरा समय पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी के संगठन के लिए और प्रदेश को दे सके। मैम आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसके नेतृत्व में वो कांग्रेस को चला रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता किसके ने, लेकिन उन्होंने मिसगाइड किया। जब सारे MLA इंटैक्ट थे, उन्होंने कहा कि सभी MLA टूट रहे हैं और राहुल जी के रैली के बाद आनन फानन में दिल्ली बुलाए गए सभी वर्कर गए, क्योंकि सब पार्टी के जो MLA हैं, वर्कर हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने पार्टी के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली हम सब गए और वहाँ पर कहा गया कि कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि आप लोगों को तेलंगाना जाना। हम लोग गए, कोई किसी MLA ने इनकार नहीं किया, सब लोग गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। जब MLA नहीं टूट रहे थे तब तो उनको तेलंगाना शिफ्ट किया, जब MLA टूट रहे तो प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे? अभी बीजेपी मैम दावा कर रही है कि कई सारे MLA जो है वो बीजेपी के संपर्क में। बिल्कुल नहीं, देखिए बीजेपी का तो काम ही है जुमला पार्टी। बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री लगातार जितना दूसरे राज्य में नहीं जा रहे उतना यहाँ आ रहे हैं। उनको तो मणिपुर जाना चाहिए था, उन महिलाओं का आंसू पोंछने जिनके साथ अभद्रता दुर्व्यवहार हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी कितनी कमज़ोर हो गई है और कमज़ोर होने के कारण वो ये अफवाह फैला रही है कि ये टूट रहे, जो जो गए हैं बीजेपी के साथ उन MLA का हिस्ट्री भी देख लीजिए कि वो लोग कैसे। मैम ये सवाल बीजेपी ये भी खड़ा कर रही है कि कांग्रेस को जो है राहुल गांधी चला रहे हैं बिहार, लालू यादव से? नहीं, ये तो गलत बात है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो हर चीज़ पे ध्यान रखती और हमारा गठबंधन है तो गठबंधन में एक दूसरे का ख्याल सब लोग रखता है। तो क्या लग रहा है किस वजह से MNC नहीं गए हैं, 17 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस के? अब ये तो आला कमान ने, इस पे तो चिंतन मंथन आला कमान द्वारा किया जाएगा, इसका जवाब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे। MLA का काम है MLC के लिए प्रस्तावक बनना, उसका सहयोग करना और कुछ नहीं, विशेष जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे।
आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास को साफ तौर पर मांग करती नजर आई कि अखिलेश सिंह को उनके पद से हटाया जाए। उसका कारण बताती भी नजर आ रही थी प्रतिमा दास। साफ कह दिया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं और यहाँ के विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं। वो आलाकमान को गलत फीडबैक पहुंचा रहे हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी का लगातार नुकसान हो रहा है। बड़े आरोप लगे हैं ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सारे आरोप उनकी ही पार्टी की विधायिका प्रतिमा दास के द्वारा लगाया गया है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि वो विधायकों का फोन तक नहीं उठाते हैं, तो जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे ये कैसे ही संपर्क बनाते होंगे। लगातार आप सुन रहे थे प्रतिमा दास ये मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द उन्हें हटाया जाए उनके पद से, अखिलेश सिंह की जगह किसी और को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है ये प्रतिमा दास के द्वारा। अखिलेश सिंह पर ये बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। अब ये जो इनकी बयान है प्रतिमा दास की, अब ये क्या नया बम फोड़ती है बिहार की राजनीति में, या खासतौर पर कांग्रेस पर इसके क्या कुछ असर पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।